राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने अपने घर में बिल्कुल अच्छे से होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो अभी देखिए, मैं इसके आगे का ब्लॉग जो है वो मेरा जा चुका है, आपने उसे अगर नहीं वॉच किया है तो उसे मेरे चैनल पे जाके आप वॉच कर सकते हो। संडे की मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का मैंने दिखाया है उसमें, 1 बजे तक का। फिर ये 1 बजे के बाद का मेरा वर्क है कि संडे को मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन पूरा रूटीन मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया है। तो अभी देखिए, मैंने किचन उसमें दिखाया था ना, कितना मैसी किचन था, तो मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। मैंने गैस से स्टार्ट किया है, पहले मैं गैस को क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद से मैं सेल्फ को क्लीन कर दूंगी। और ये मेरा डेली का है फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से लंच कराने के बाद किचन साफ़ करती हूँ। तो अभी देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे, तो मैं कट कट करके, मतलब रिकॉर्ड तो पूरा मैंने किया था, पर कट कट करके मैं ले रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए आधे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। अब सारे बर्तन को वॉश करके मैं उसे सारे बर्तन को धुल के स्टैंड में लगा दूंगी। और जो डस्टर होता है ना, कपड़ा जिससे हम मतलब खाना बना के उतारते हैं, पकड़ते हैं बर्तन वगैरह को, गर्म बर्तन को, तो वो भी मैं पर डे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर डेली क्लीन करेंगे ना तो ज़्यादा वो गंदा नहीं दिखेगा। तो अभी देखिए किचन मेरा क्लीन हो गया है, और दूध भी आ गया था, तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने गैस पर दूध चढ़ा दिया है। दूध आता है वही 12:30-1 बजे तक, तो वही आया था, तो फिर गैस वैस साफ़ करके मैंने चढ़ा दिया। फिर मैं आ जाती हूँ वॉशिंग मशीन क्लीन करने, क्योंकि अभी तक जो उसका लीड है वो खुला था। फिर मैंने अंदर से इसे साफ़ कर लिया, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है ना, वो कहीं थोड़ी थोड़ी जमी रहती है, तो उसे कपड़े से, जब भी मैं मतलब कपड़े वॉश करती हूँ ना, वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, तो कपड़े वॉश होने के बाद उसे मैं ज़रूर क्लीन करके रखती हूँ। क्लीन करने से ये होता है, जो भी अंदर मैल वगैरह जमी होती है वो साफ़ हो जाता है। अगर हम समय समय पर नहीं क्लीन करेंगे तो वही जम के फिर वो गंदगी की एक मोटी परत बन जाएगी। तो मैंने वॉशिंग मशीन भी क्लीन कर लिया, फिर आ जाती हूँ रूम में, क्योंकि आज बच्चे घर पे थे, काम बहुत ज़्यादा था, तो घर की जो डस्टिंग होती है वो मैंने सुबह से ही नहीं किया है। तो अभी मैं वही डस्टिंग, हल्की हल्की बस डस्टिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं है ये, बस ऊपर ऊपर से ही मैं जितने भी डस्ट रहते हैं ना, वो ये मेरा डेली का है। ये जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा पर डे मैं ये करती हूँ, बट मैं आप लोग को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर डेली ये चीज़ दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो जो डस्टिंग होती है घर का, वो पर डे होता है, कि घर जो है वो पूरा थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे। और डीप क्लीनिंग होती है वो तो महीने में एक बार, या 1.5 महीने में 2 महीने में, जैसा मुझे समय मिलता है मैं वैसा करती हूँ। और डेली की सफाई से ये होता है, घर जो है वो मैसी नहीं दिखता है, वो क्लीन ही दिखता है। मैंने चेयर वगैरह, जो घर के सारे रैक्स थे, अलमारी थे, वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। फिर मैं कपड़े आयरन कर लूँगी, जैसे कि बच्चों के ड्रेस हैं और हस्बैंड का शर्ट पैंट है जो अभी वो पहन के जाएंगे, तो वो सारे मैं आयरन कर लूँगी, क्योंकि कपड़े भी जल्दी ही सूख गए थे। मैंने आपको बताया ही था कि धूप निकल गई थी अच्छी, तो कपड़े सूख गए थे। तो ये बच्चे का ड्रेस आयरन करके रख दूँगी, तो कल बच्चों को स्कूल पहन के जाने में आसान रहेगा। अगर मैं प्रेस नहीं करती ना, तो मुझे सुबह टेंशन लगी रहती कि अभी मुझे कपड़े भी आयरन करने हैं। फिर उसके बाद से आ जाती हूँ, बाकी जितने कपड़े थे वो सूख गए थे, तो उन्हें भी मैं लगा देती हूँ अपने अपने जगह पे। जो मुझे अलमारी में रखना है वो मैं अलमारी में लगा दूंगी, जो मुझे बाहर गलियारे में रखना है उसे मैं गलियारे में लगा दूंगी। और ये देखिए प्रिसा डांस कर रही है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ऐसे डांस करती रहती है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा पूरे दिन का रूटीन, पूरे दिन हम क्या करते हैं, बिल्कुल हमें समय नहीं मिलता है, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बस पति के लिए, बच्चों के लिए बस दिन भर लगे रहते हैं, और खुद के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। और संडे का जो दिन होता है, उस दिन तो जान जाइए कि हमारी बस वाट लगने वाली होती है, क्योंकि उस दिन हमें बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। जब हम नाइट में बेड पे जाते हैं तो ही हमें रेस्ट मिलता है, उसके पहले हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इवनिंग का जो जितना भी रूटीन का काम होता है वो सारा मैंने कर लिया है, जैसे झाड़ू लगा लिया था और चाय भी पी लिया है, बच्चों को भी पिला दिया। और अभी देखिए मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी ना, तो ये देखिए मैंने अभी बालों को जो है उसे कॉम्ब किया है, तो अभी ये देखिए सूखे हुए नहीं हैं, पूरे अभी गीले हैं, तो इसीलिए मैं खुला रखी हूँ बालों को अपने। और अभी चलती हूँ, ऐसा कुछ बनाऊंगी सोच रही हूँ कुछ, तो अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको, जब मैं किचन में जाऊंगी बनाऊंगी तो आप खुद देख लीजिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और ऐसा चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप उसे मतलब कुछ दिन तक, जैसे कि 1 हफ्ते या 15 दिन तक स्टोर करके आप उसे खा सकते हैं। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना, कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ।
अभी मैं किचन में जाती हूँ, यहाँ देखिए रुपेश पढ़ रहा है, वही सुबह से लर्न कर रहा है पर अभी भी लर्न नहीं उसे हुआ है। और मैंने सोचा था कि कम से कम कुछ तो इसको क्या हुआ, गिर गई, इसको लर्न हो जाएगा तो मैं दूसरा कुछ मतलब तैयार कराऊंगी, पर सुबह से साइंस ही लर्न कर रहा है जो अभी तक लर्न नहीं हुआ है। और देखिए प्रीशा शैतानी कर रही है, छवि और प्रीशा एक साथ खेल रही हैं, तो अभी देखिए क्या हुआ। अरे नहीं, हटा दे उसका उंगली, करंट मार देगा, हटा उसको वहाँ से। तो अभी देखिए चलती हूँ किचन में, चलिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं मूंगफली को फ्राई कर ले रही हूँ और लो फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर करूँगी ना तो मूंगफली अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी और ये जल जाएगी। तो अभी देखिए मूंगफली फ्राई हो गई है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैंने दिखाया ना, मैंने थोड़ा सा मखाना भी फ्राई कर लिया था, वो मैं क्लिप ले नहीं पाई थी। फिर जो मूंगफली फ्राई करने के बाद तेल बचा था उसमें मैंने चूड़ा डाल दिया है, चूड़ा आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो इसे भी मैं लो फ्लेम पे भून लूँगी, हाई फ्लेम पे नहीं भूनूंगी वरना ये भी जल जाएगा। तो अभी मैं इसे भून लेती हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड, चूड़ा भून गया है, अब मैंने इसका ओरिजिनल साउंड आपको सुनाया है। तो अभी इसमें मैं मूंगफली फ्राई और फ्राई मखाने डाल दूंगी, और ये मार्केट का नमकीन है, ये एक पाव है, तो इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मसाले वाला नमकीन था, क्योंकि मैंने अलग से कोई मसाले नहीं बनाए थे इसमें डालने के लिए, तो उसे मैं मिला देती हूँ। और ये एक चम्मच चाट मसाला है, और बस चाट मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम ही लिया है। और इन सबको मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, कि जितने भी मसाले हैं ना वो चूड़े पे अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। तो इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चूड़े की नमकीन बनके रेडी है। ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले वॉच करो। तो अभी देखिए मैंने एयर टाइट डब्बे में इस नमकीन को रख दिया है, अभी आराम से आप 15 दिन 1 महीना इसे स्टोर कर सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी भी बना था फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। से ये चूड़े का नमकीन बनाया और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप चाय के साथ खा सकते हो, या हल्की भूख लगे बच्चे कभी जिद करे नमकीन का तो आप इसे दे सकते हो। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए, टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा बना है। मैंने इसे सेकंड टाइम बनाया, एक बार बनाई थी, वीडियो भी शूट किया था, बट वो वीडियो जो है ना वो मुझसे ही डिलीट हो गया, एडिट करने के बाद डिलीट हो गया, अब मुझे मिला नहीं। फिर बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है इसे, और अभी मुझे डिनर बनाना है। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस सुबह मैंने छोला भटूरा बनाया था, तो भटूरे का जो बैटर था वो बचा हुआ था, मैं उसी को बस बनाऊंगी, और छोला भी है, तो मुझे डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। हस्बैंड घर पे खाना खाएंगे ही नहीं, तो बस मैं और बच्चे हूँ, तो मैंने भी खा लिया है अभी, क्योंकि चावल सुबह का था तो चावल छोला मैंने खा लिया है, और बच्चों के लिए छवि ने भी खा लिया है, बस सुबह इसके लिए मुझे भटूरा सीखना है। और फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हाउसवाइफ परिवार को मैनेज करते हुए यूट्यूब को मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बार बार अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको अनसब्सक्राइब करना हो तो आप सब्सक्राइब ही ना करो, क्योंकि जो हमें खुशी होती है फिर वो मतलब गम में बदल जाता है, तो प्लीज़ ऐसा आप ना करिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको सपोर्ट करिए, हम सब हाउसवाइफ को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बार बार कहूँ कि आप खुद देखते हो कि हम मतलब हाउसवाइफ कितना मतलब वर्क घर का करते हैं। जो समझते हैं वो लाइक शेयर करते हैं, और जो नहीं समझते हैं उनका मैं क्या कहूँ। और चलिए कोई बात नहीं, समझने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत ऐसे हैं जो कभी ना कभी तो मतलब हमारा भी पूरा होगा, आज नहीं कल, जब हम YouTube पे आए हैं तो एक निश्चित करके ही आए हैं कि YouTube पे हमें कुछ करना है, तो हमारी कोशिश जारी है, फल मिलना नहीं मिलना ईश्वर के हाथ में है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो कोई छीन नहीं सकता है, और किस्मत में नहीं होगा तो कोई हमें दे भी नहीं सकता है। तो बस मैं किस्मत के ऊपर छोड़ दी हूँ कि अगर भगवान चाह लेंगे तो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से मुझे मेरी मंजिल मिल ही जाएगी। तो चलिए अब बातें को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।